अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ अयाज अहमद। वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज मैं करने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई, मतलब एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाने जा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ एस्परेगस फार्म को। एस्परेगस फार्म जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला और बहुत ही सर्वाइवल प्लांट है, जो कि बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता, बड़े अच्छे से जो है वो ग्रोथ भी करता है, छोटे छोटे से महीन महीन से जो है वो फ्लावर्स भी देता है, जिनको देखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। इसके अंदर कोई कीड़े नहीं लगते हैं, फंगस नहीं लगता, ये गलता नहीं है बहुत जल्दी, और बहुत लॉन्ग लाइफ है और बहुत अच्छे से जो है वो ग्रो कर लेता है। और अगर से हैंगिंग पॉट में लगाया जाए तो जिस तरह मेरे पास लगा हुआ है, देखें कई प्लांट्स मेरे पास इधर हैंगिंग पॉट में हैं, मगर इनमें से जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो लुकिंग वाइज वो आई थिंक एस्परेगस फार्म ही है। एस्परेगस फार्म के अंदर कई वैरायटीज़ होती हैं, ये हाई फैन में भी आता है, लो फैन में भी आता है, और भी बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है, ये विदाउट फैन में। जो न्यू गार्डनर हैं वो अगर ये लेके आ जाते हैं तो ये बेस्ट है। इसकी कॉस्ट भी कम है, कॉस्ट वैल्यू भी कम है, सस्ता मिलता है, आसानी से आप परचेस कर सकते हैं। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, मतलब इस एक प्लांट से मैं कई प्लांट बनाने वाला हूँ और फिर उसके अंदर से न्यू शूट्स हैं वो निकलेंगे और वो भी इसी तरीके से घना हो जाएगा जिस तरह ये अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये घना हो गया। तो अब मैंने सोचा है कि इसमें से मैं इसको निकालूंगा और निकाल के मैं कई सारे इससे हैंगिंग पॉट बना लूँगा। मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हैंगिंग पॉट के लिए जो लोकेशन है मेरी वो यही है, जस्ट सामने वाली, और इसके अंदर ऑलमोस्ट पांच जो हैं वो प्लास्टिक वाले लगे हुए हैं और एक जो है वो गमला है उसका हैंग करा हुआ, तो उसको तो माइनस कर देते हैं, बचते हैं ये पाँच। अब इसके अंदर से मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं इन पाँचों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस्परेगस फार्म ही लगाऊँगा, क्योंकि ये मैंने स्टे पर रखना है यहाँ पर। और अब ये जो प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं जितने भी, इनको मैं यहाँ से निकाल के हटा दूंगा और सिर्फ एस्परेगस फार्म ही यहाँ पर रहेगा, ताकि ये एक जैसी ग्रीनरी बिल्कुल यहाँ पर मेंटेन हो जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गार्डन सॉइल में लगा हुआ है, तो इसीलिए इन सारे प्लांट्स का जो है वो वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गमला उसको आपने हैंग करा हुआ है, मैंने ऊपर यहाँ पर हैंग कराया, ऊपर से फिर ऊपर जो है वो बंधा हुआ है रस्सियों से, और उसके बाद फिर ये बांस के अंदर मैंने ये हुक लगाया, और हुक लगा के फिर उसके अंदर इस तरह करके ये मैंने खुद बनाया, और ये पॉट भी मैंने खुद बनाए, इसकी भी वीडियो अवेलेबल है ही कि ये किस तरीके से बने, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से ये पॉट जो है वो तैयार होगा बहुत ही लो कॉस्ट में। आई थिंक ये 30 या 40 रुपये में एक आपका पॉट तैयार हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा है, आई थिंक तकरीबन 9 इंच पॉट के बराबर की जो है जगह रखता है। अच्छा खैर, अब एस्परेगस फार्म को अलग अलग करना भी इजी है, थोड़ा सा ये उलझ जाता है ऊपर से भी, क्योंकि गुच्छे की शक्ल में, और इसी तरीके से नीचे रूट्स जो हैं वो भी बाउंडिंग हो जाती हैं, तो वो भी उलझ जाती हैं। मगर जिस तरह पोटैटो होता है ना, आलू के अंदर एक ट्यूब बन, उसके ज़रिए से फिर नीचे से जो है वो ब्रांचेस बनती हैं, ऊपर से जो है वो प्लांट बाहर आ जाता है, इसी तरीके से एस्परेगस फार्म भी है। एस्परेगस फार्म के अंदर भी ट्यूब्स बनती हैं, और शायद अगर मैं दिखा भी सकूँ ऊपर हूँ तो, ये देखें, ये आप देख सकते हैं अरबी की शक्ल में जो है वो ये ट्यूब्स आती हैं, या आलू की शक्ल में जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, इस तरह ये ट्यूब्स हैं, और इनके ज़रिए से ही ब्रांचेस जो हैं वो ऊपर आते रहती हैं, और उसके बाद फिर जो है वो उसमें से नीचे जड़ें बन जाती हैं, और फिर इस तरह से ये तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी मल्टीप्लाई हो जाता है, और अभी मैं इसको उतार लेता हूँ, और उतारने के बाद फिर इसको अलग अलग करके मैं आपको दिखाता हूँ, और एक में मैं लगा के भी दिखा दूँगा आपको, क्योंकि सब में तो नहीं लगाऊँगा, अगर सब में मैंने लगा के वीडियो बनाई तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए मैं एक को जो है वो बना के दिखा देता हूँ आपको, और साथ ही साथ इसकी केयर के बारे में भी हम बात करते रहते हैं। देखें, इसके अंदर दो रीज़न है, एक तो मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाह ही रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो अलग अलग जो है वो कर लूँ, ताकि मेरे पास ये बहुत सारे प्लांट बन जाएँ एक प्लांट से। दूसरा ये कि इसका वेट मैंने जिस तरह बताया बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइट वेट हो, और लाइट वेट करने के लिए मैं अब इस दफ़ा जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं लीफ कंपोस्ट जो कि मेरी खुद की बनी हुई है, वो मैं अभी, हालाँकि ये बिल्कुल जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो जो कंपोज नहीं हुई है, मगर फिर भी ये चल जाएगी, और ये लाइट वेट है उसके मुकाबले में, इसका वज़न आधा ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले मैंने इसको अलग कर लेना है निकालने के बाद पॉट में से, आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है, और कितना अच्छा ये गुच्छे की शक्ल में ग्रोथ कर रहा है। तो अभी प्लास्टिक पॉट में, तो इसलिए इजीली रहता है प्लास्टिक पॉट में से बाहर निकालना। ये देखें, ये पॉट हमारा रिमूव हो गया, और ये आ गया है हमारा प्लांट।
ये देखिएगा ज़रा, देख रहे हैं आप इसकी रूट्स वगैरह किस तरीके से जो है वो मेंटेन हुई हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत सारे अंदर जो है वो बल्ब बन चुके हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि अंदर बल्ब बनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बल्ब बने हुए हैं और अब हमें इन्हें अलग अलग करना है। थोड़ी सी मिट्टी में इसकी गिला लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद जो है वो पानी हमने दिया हुआ, ये भी अच्छा है कि सॉफ्ट हो रहा है बिल्कुल। इसको दोबारा एक दफा मिट्टी झाड़ते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी मिट्टी निकल चुकी है और आप देख सकते हैं कितने इसके अंदर ट्यूब्स हैं, कितनी जड़ें हैं, और हर ट्यूब जो है वो एक नया पौधा जो है वो बना सकता है। बाय द वे, हम तो इसको क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा है ऊपर भी ब्रांचेज इसकी, तो इसलिए हम ब्रांच समेत इसको अलग अलग करेंगे, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखें यहाँ से, अब ये मैंने इतने सपोज डेट ले लिए, अब मैं इनको ऊपर से पहले हटाता हूँ। जिस तरह मैंने पहले बताया कि उलझे हुए होते हैं तो इनको सुलझाना तो पड़ेगा, और नीचे से रूट्स भी इसकी इसी तरीके से उलझी हुई होंगी। ये देखिए मैंने इतना ले लिया, ये इतना हिस्सा अभी ये मेरे पास आ गया और वो अलग हो गया। तो अब इसको मैं देखूंगा कि मैं किस तरह से इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ। बल्कि थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, ताकि थोड़ा और ज़्यादा घना हो जाए। और हमारे को कटिंग्स में भी आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग हुआ है, ये ऊपर से हमारा प्लांट आ गया और ये नीचे से इसकी रूट्स आ गई। ये देखें, ये इसकी जॉइंट है, नीचे इसकी ट्यूब्स हैं, और अब ये इसी तरीके से लग जाएगा दूसरे पॉट के अंदर। तो दूसरा पॉट खाली करके ये एक में उसके अंदर आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह ये तैयार होगा, और फिर बाकी में इसी तरीके से तैयार करूँगा। टिकली हमने वापसी रख देनी है डाइनी जॉल पर, और सॉइल हम यूज़ करेंगे अब कंपोज। कंपोज का वेट जो है वो बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर होता है। आधी मैंने इसमें डाली है और इसके अंदर मैंने इसको लगा दिया, मैं मजीद ऊपर से डालता हूँ आधी, और इसको फिर हमने सेट कर देना है अपने हिसाब से। इसको मैं थोड़ा सा दबा लेता हूँ, ताकि प्लांट इसके अंदर बिल्कुल एक्टिव हो जाए। ओके, तो ये अभी जो है वो काफ़ी बेहतर लग गया है। अब हम इसको साइडों में गिरा देते हैं सब तरफ, ताकि ये एक तरफ ना गिरे, सब तरफ गिर जाए थोड़ी थोड़ी, और अच्छी भी लगे इस तरह से। और अब हम इसकी डोरी सेट कर लेंगे। ओके, ये प्लांट हमारा जो है वो अब रेडी हो गया। अब मैं इसको हैंग करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अभी आप इसको देख सकते हैं कि ये मैंने सिंगल कर लिया, और सिंगल के अंदर भी मैंने काफ़ी सारी ब्रांचेस रखी हैं। ये देखें, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 10 हैं या उससे भी प्लस होएंगी, 11-12। मगर अभी जो है वो ये लुकिंग वाइज जो है वो इतना ज़्यादा घना नहीं है, क्योंकि वो जो पहले लगा हुआ था उसके अंदर तो अलॉट्स ऑफ थी ना, 100+ या 200+ थी।
और ये जो है वो कम है, मगर जब नर्सरी से हम परचेस करते हैं तो इतनी ही लगी हुई होती हैं। एक 6 इंच पॉट के अंदर जब आप इसको परचेस करेंगे एस्पैरेगस फार्म को, तो इतना ही लगा हुआ होगा और उसके बाद वो ग्रोथ बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये इसके अंदर लीफ कंपोज मैंने रखा तो इसलिए इसका वेट जो है वो ना होने के बराबर है, तो इसीलिए हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊपर भी कोई लोड नहीं आएगा हमारे बम्बू पर। और उससे और एक फ़ायदा और भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि हमें इसको पानी भी बहुत कम ही देना होगा अब, क्योंकि लीफ कंपोज जो है वो एक तो पानी वैसे ही कम लेती है अपने अंदर क्योंकि स्टॉक कर सकती है, दूसरा ये कि ये बिल्कुल जो है ना अभी 100% जो है वो कंपोज हुई नहीं है, ये अभी बाकी है, इसको डिमोलिश होना था मज़ीद अभी, मगर अब ये इसके अंदर ही डिमोलिश हो जाएगा और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लांट को। बस आपने पानी के मेंटेनेंस का ख्याल रखना है और ड्रेनेज होल का ख्याल रखना है कि ड्रेनेज होल जो है वो लॉक नहीं होना चाहिए, उसमें से पानी जो है वो निकल जाए जो एक्स्ट्रा हो। अब इसी तरीके से मैं सारे जो हैं वो प्लांट जो हैं वो रिपोर्ट कर लूँगा। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ इसी के हवाले से कि शायद किसी को ना समझ में आया हो कि किस तरीके से जो है वो इसको आराम से अलग करा जा सकता है। तो इसका मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, देखें ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये जो ट्यूब्स हैं ना, एक ट्यूब भी अगर एक दो ब्रांचेज आप इसकी ले लेते हैं या ज़्यादा ले लेते हैं या आधी ले लेते हैं, जितनी भी ब्रांचेज आप लेंगे उसके साथ एक दो ट्यूब्स भी चले गई अंदर, रूट्स तो जाहिर हैं होंगे, जब ट्यूब्स जा रही है तो उसके अंदर रूट्स भी देखें इस तरीके से रूट्स भी लगी हुई होती हैं। देखें ये मैंने अलग अलग कर लूँगा तो आपको साफ दिखेगा, ये देखें ये इसी के साथ की रूट्स हैं और किसी के साथ की नहीं, इसके साथ की, और इसी तरह इसमें से ब्रांचेज भी हैं मगर ये एकदम आपस में मिल गई हैं और उलझ गई हैं, इस वजह से समझ में नहीं आती हैं, मगर इजीली ये अलग हो जाएगा। एक ट्यूब्स और इतनी सी ब्रांचेज जब साथ जाएंगी इनके तो ये ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि ये मर ना जाए और लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 100% जो है वो आपके पास ग्रो करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी ट्यूब्स इसके अंदर और कितने सारे ये मल्टीप्लाई होंगे, तो इसी तरीके से मैं अब इसको जो है वो मज़ीद मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे दीजिए अब इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।